वेलकम टू एमबीबीएस क्लासेस आशीष। इस वीडियो में हम अम्बिलिकल्स का क्लिनिकल देखेंगे। ये अम्बिलिकल्स पे सेकंड वीडियो है। तो एक लास्ट पॉइंट रह गया था पिछले वीडियो में, जो था एम्ब्रियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है अम्बिलिकल्स की। तो सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्लिनिकल। तो एम्ब्रियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके मेनली या ब्रॉडली जो इम्पोर्टेंट हैं, दो ही इम्पोर्टेंस होते हैं। ये पहला क्या होगा, ये मीटिंग पॉइंट होता है चार फोल्ड्स का एम्ब्रियोनिक प्लेट के। सो इट इज़ मीटिंग पॉइंट ऑफ फोर फोल्ड्स ऑफ एम्ब्रियोनिक प्लेट। ये एम्ब्रियोनिक प्लेट क्या है और इसके कैसे फोल्ड्स कौन कौन से होते हैं, वो हम इसका सेपरेट वीडियो रहेगा एम्ब्रियोलॉजी के सेक्शन के अंदर। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो इट इज़ ए मीडियम पॉइंट ऑफ फोर फोल्ड्स ऑफ एम्ब्रियोनिक प्लेट। वो कौन कौन से फोर फोल्ड हैं, अभी आप बस नाम याद कर लीजिए, इसका सेपरेट वीडियो रहेगा ताकि आप अच्छे समझ में आए। दो तो बहुत ही सिंपल हैं, एक होंगे हेड, दूसरा होगा टेल, और दो होते हैं लेटरल फोल्ड्स। अब आप टॉपिक बस आपकी आप इसको याद कर लीजिए, जब हम इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सेकंड इम्पोर्टेंस एम्ब्रियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है एम्ब्रियोलिकस का, ये मीटिंग पॉइंट, एक और मीटिंग पॉइंट है पर किसका, तीन सिस्टम्स का। कौन कौन से सिस्टम्स अभी देखते हैं। इट इज़ मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री देव सिस्टम्स। और ये देव का क्या मतलब है, डी फॉर डाइजेस्टिव, ई फॉर एक्सक्रीटरी एंड वी फॉर बहुत ही कॉमन सा चीज वैस्कुलर। तो डाइजेस्टिव में क्या, एम्ब्रियो में क्या सिग्निफाई करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो है वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं मेकल्स डायवर्टिकुलम, उसमें इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है। आपको बस तब तक बता देता हूँ, जो वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट है ये फूड प्रोवाइड करता है योक सैक से एम्ब्रियो को। ये कनेक्शन होता है योक सैक से गट तक का। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किसो सिग्निफाई, कैसे सिग्निफाई होता है, यूरेकस से। अब यूरेकस क्या है, ये एक रेमनेंट है उसी, और ये क्या कनेक्ट करता है अम्बिलिकस को यूरिनरी ब्लैडर से। सपोज ये यहाँ पर ये एंटी एब्डोमिनल वॉल है, यहाँ पर अम्बिलिकस प्रेजेंट है और यहाँ पर है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से ओपनिंग होती है, एक कनेक्शन होता है जिसे बोलते हैं यूरेकस। सो यूरेकस इज अ कनेक्शन बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द यूरिनरी ब्लैडर। अब वैस्कुलर सिस्टम कैसे सिग्निफाई होता है, बहुत ही सिंपल, अम्बिलिकल वेसल्स में दो आर्टरी और एक वेन। अब आप देखते हैं अम्बिलिकस का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। जो मेन जो क्लिनिकल आते हैं इसके अम्बिलिकस के, वो वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट से ही रिलेटेड होते हैं। सो अब वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट अगर परसिस्टेंट है और है तो कितना है, या फिर रेमनेंट है तो रेमनेंट में कितना रेमनेंट है, उस हिसाब से डिफरेंट क्लिनिकल सिचुएशंस आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम रेमनेंट से डिस्कस करते हैं। आपको बता दूँ 7 से 8 वीक ऑफ जेस्टेशन में वाइटलो इंटेस्टाइनल का रिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड हो जाता है तब प्लेसेंटा, तब तो वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि योक्सा का प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड तो रहा नहीं, तो फिर रिग्रेस करने लगता है। तो उसके कुछ रेमनेंट्स बच जाते हैं। और कुछ रेमनेंट्स क्या होते हैं, सपोज जैसे ट्यूब थी, डक्ट थी, वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट, इससे कुछ रेमनेंट बन जाएंगे अम्बिलिकस के पास अराउंड द अम्बिलिकस, और ट्यूमर जैसा फॉर्म करेंगे। सम रेमनेंट्स फॉर्म ट्यूमर लाइक थिंग, जिसे आप बोलते हैं हम रेसबेरी रेड ट्यूमर या फिर चेरी रेड ट्यूमर। तो ये रेसबेरी रेड ट्यूमर
या फिर चेरी रेड ट्यूमर, चेरी रेड ट्यूमर। सो कुछ डक के कुछ रेमनेंट जो अमलाइकस अराउंड होते हैं वो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं रेस्बरी रेड ट्यूमर या चेरी रेड ट्यूमर। अब एक परसिस्टेंट, ये तो हो गया रेमनेंट जब बचता है वाइटल इंस्टाइनल डक का। अब वेस्ट वाइटल इंस्टाइनल डक अगर पूरी तरीके से प्रोमिनेंट है या फीटस में परसिस्ट करती है तब क्या होता है? अगर पूरी की पूरी वाइटल इंस्टाइनल डक अगर पेटेंट है, मतलब पूरी अच्छी तरह है, रिग्रेस नहीं किए, तो फॉर्म करती है फिस्टुला। सो इफ वाइटलो इंटेस्टाइनल डक, वाइटलो इंटेस्टाइनल डक अगर पूरी तरह परसिस्ट कर रही है, परसिस्ट, तो बना लेती है फीकल फिस्टुला। फीकल फिस्टुला, अब फिस्टुला क्या है? एक ऐसा ट्यूब है जो दो ऑर्गन्स को जोड़ता है या दो पार्ट्स को जोड़ता है। सपोज़ ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, यहाँ पर योक्सैक होते हैं ना आगे, तो यहीं और यहाँ पर अमलाइकस है, तो यहाँ से ऐसे कनेक्शन आता है जिसे बोलते हैं वाइटल इंटेस्टाइनल डक। तो ये किससे कनेक्ट होता है? गट से, यहाँ पर ऐसे गट होगी, तो ये परसिस्टेंट रह गया तो इसे क्या बोलेंगे? फिस्टुला। इट परसिस्ट, तो क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं फीकल, बोलते हैं फीकल फिस्टुला। तो ये फिस्टुला फॉर्म कर रहा है और दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये तो क्या है जब पूरा के पूरा ट्यूब परसिस्ट हो। अगर सिर्फ प्रॉक्सिमल पार्ट अगर इसका परसिस्ट करता है, ओनली प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वाइटलो इंटेस्टाइनल डक परसिस्ट करता है तो फॉर्म करता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। मैकल्स डाइवर्टिकुलम पे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल सा एक वीडियो है, आप उसको जरूर, मैं सजेस्ट करूँगा बहुत उसको जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइवर्टिकुलम तो फॉर्म कर लेता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। अब प्रॉक्सिमल पार्ट अगर परसिस्टेंट है तो ओनली प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ दैटी परसिस्टेंट। अगर मिडल पार्ट परसिस्टेंट है, ओनली मिडल पार्ट ऑफ वाइटल इंटेस्टाइनल डक परसिस्टेंट, तब क्या होगा? तब क्या कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? एंटेरोसील, एंटेरोसील। और ये तो हो गया सारे किस रिलेटेड वाइटल इंटेस्टाइनल डक। वही अगर यूरेक्रस परसिस्टेंट होता है तो ये बना लेता है न्यूरी फिस्टुला। और पेटेंट यूरेक्रस है, ये फॉर्म कर लेता है फिस्टुला, या फिर मोर प्रिसाइजली बोलेंगे यूरिनरी फिस्टुला। आपको पहले बताया था ना ऐसे कनेक्शन रहता है यूरिनरी ब्लैडर में, वही ये फॉर्म कर लेता है पेटेंट यूरेक्रस, यानी कि फॉर्म कर लेता है यूरिनरी फिस्टुला। और जो लास्ट क्लिनिकल है वो है हर्निया से रिलेटेड। अगर अमलाइकस वीक है, अमलाइकस वीक है अगर, तब क्या होगा? तब वहाँ से अब्डोमेन में जो विसरा है वो हर्निएट कर सकते हैं, मतलब बाहर आ सकते हैं, तो उससे क्या कॉज, उसको क्या बोलेंगे? अम्ब्लाइकल हर्निया, अम्ब्लाइकल हर्निया। आपको एक और बता दूँ, जो अम्ब्लाइकल वेसल्स होती हैं, अम्ब्लाइकल जो वेसल्स होती हैं वो जैसे न्यू बॉर्न में भी थोड़े टाइम के लिए परसिस्ट करती हैं, तो कुछ ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस अराइज हो जाते हैं ताकि वहाँ पर कैथेटराइजेशन करना पड़ सकता है वेसल्स का, तो वो भी इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में आता है। तो अम्ब्लाइकल वेसल्स का किसी क्लिनिकल केस में कैथेटराइजेशन करना पड़ सकता है, दे कैन बी कैथेटराइज्ड, तो ये भी क्लिनिकल में आता है इसके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लिनिकल ऑफ द अमलाइकस। डू शेयर योर चैनल इफ यू लाइक योर वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।